तो ये है यूपी पुलिस की महिला शक्ति, जिसके आगे बड़े बड़े गालीबाज फेल हैं। इनके आगे हर किसी को नतमस्तक होना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने वर्दी पहन रखी है। खाकी की ये गर्मी सर्द होते मौसम में भी पसीने छुड़ा रही है। लेकिन अफसोस की बात कि पुलिस का ये जुनून किसी मजलूम को न्याय दिलाने के लिए नहीं है। दरअसल ये मामला गोरखपुर का है, जहां कैंट थाने की एयरपोर्ट महिला चौकी इंचार्ज 6 नवंबर को एक दुकान को खाली कराने पहुंची थी। ये दुकान नंदानगर के रहने वाले व्यापारी कमलेश कुमार गुप्ता की है। कमलेश के मुताबिक वो सोनार गली में 2010 से घड़ी की दुकान चलाते हैं। उन्होंने मकान मालिक से दुकान का एग्रीमेंट कर रखा है और इसके एवज में 10 लाख रुपए एडवांस भी दे रखे हैं। आरोप है कि मकान मालिक अब दुकान खाली कराने के लिए हथकंडे अपना रहा है। कमलेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि 6 नवंबर की रात कुछ लोग उसकी दुकान पर पहुंचे और दुकान का शटर गैस कटर से काट कर अंदर रखे सारे सामान को बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, दुकान के अंदर गल्ले में रखे 4 लाख रुपए भी लूट ले गए। इस बात की शिकायत लेकर जब वो महिला चौकी इंचार्ज के पास पहुंचा, तो मोहतरमा ने भी दुकान खाली करने का फरमान उसे सुना दिया और मौके पर पहुंचकर दुकान खाली कराने लग गई। लेकिन इस बीच जब विरोध के सुर उठे, तो महिला चौकी इंचार्ज ने भद्दी भद्दी गालियां भी दी। बहरहाल पीड़ित व्यापारी ने चौकी इंचार्ज की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यूपी की ऐसी गालीबाज पुलिस से कमलेश को न्याय मिल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।